हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए हमारी ग्लो कितनी अच्छी हो रही है, देखिए छड़ रही है, देखिए कैसे छड़ गई है। तो आज का ब्लॉग हम ग्लो से स्टार्ट करते हैं। रोज़ हम नीचे से स्टार्ट करते थे माता रानी के मंदिर से, आज हमने कुछ अलग ढंग से स्टार्ट किया है। और मेरी तबीयत जैसी थी वैसे ही है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ क्योंकि शरीर चलता फिरता रहना चाहिए। और आज कुछ स्पेशल है गाइस, आज कुछ स्पेशल है, स्पेशल बनाना पड़ता है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आसपास का व्यू किरण आपको दिखाएगी। तो दोस्तों मैं आपको आसपास का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और ये देखिए नीम गोलियाँ कितनी सारी, ये जो नीम का पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये नीम का पेड़, इसमें बहुत सारी नीम गोलियाँ। और ये तो हमारे पास ही है ये वाला पेड़, तो इससे मैं खूब सारी नीम गोलियाँ तोड़ लेती हूँ और खा लेती हूँ। तो यहाँ पर बबूल के ज़्यादा पेड़ हैं, देखिए ये रहा एक। और देखिए यहाँ पर कितना कूड़ादान कर रखा है, लोग है ना फंक्शन तो कर लेते हैं पर है ना कूड़ादान है ना सोते नहीं है। देखिए ये वहाँ पर रुई बिछा रखी है, रुई दिखिए आपको, रुई रुई बिछा रखी है रुई। और आज क्या बार है? आज शनिवार है दोस्तों। तो हनुमान जी की भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो नीचे चलते हैं गाइस, तो नीचे चलते हैं गाइस। और मेरी देखिए कुंसी हो चुकी है, कुंसी शायद आपको दिख रहा हो, मेरे कुंसी हो चुकी है। और यहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है। और देखिए मेरी साइकिल के बुरे हाल है, चैन टूट चुकी है साइकिल की, क्योंकि मैं चप्पल खोल देती हूँ। ये देखिए ये जो चैन दिख रही है ना आपको, ये जो चैन, ये पापा ने अभी भी ठीक करी है, ये ना नीचे लटक चुकी है। ये ऐसे थी पहले, ऐसे बिल्कुल टाइट थी। अब मैं साइकिल को अंदर रख लेती हूँ। तो गाइस हम अंदर चलते हैं साइकिल को लेकर। साइकिल को अंदर ले आई हूँ, देखिए मेरा है। तो हम नीचे, मैंने यहाँ पर साइकिल खड़ी कर चुकी है, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है मम्मी से भी। तो मंदिर के दर्शन करते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए अगरबत्ती जल रही है, माता जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और कल है ना नरसिंह जी निकले थे, हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। आज कोशिश हुई तो बना लेंगे ब्लॉग, आपको शायद मिल जाए। मैंने ना नरसिंह जी के बाल तोड़े थे खूब सारे, देखिए कितने सारे। इसे मंदिर में रखना चाहिए, ये बहुत लकी होता है दोस्तों। और जिसको डर लगता है ना उसको तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए, मुझे नहीं लगता है इसलिए मैं मंदिर में रख रहा हूँ। तो देखते हैं अब क्या बन रहा है, गीला हो रहा है यहाँ तो दोस्तों गीला हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे। ये हमने प्याज कट कर लिए थे, मिर्ची कट कर ली थी, और इसमें है पास्ता। और आपको पता चल चुका होगा क्या बनने वाला है, मैगी मसाला नहीं है हमारे पास। रुको मैं होगा काय में है होगा इसमें, हाँ इसमें 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 देखो, अरे नहीं है गया। हमारे पास सॉस है दोस्तों, बिना मैगी मसाले के भी बहुत टेस्टी बनता है पास्ते। और यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाल लिया है, और पास्ते हमने पहले ही उबाल लिए थे, और प्याज भी पहले ही कट कर लिए थे। और इस फोन को हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा? देखिए हमारी मसाल डाली है, देखिए मम्मी ने नमक ले लिया है, अब मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। देखिए हमने गैस की
धीमी आंच कर लिए, तेज नहीं कर रखी है। और नमक डाल लेते हैं मसालेदारी में, हम मम्मी नहीं डालती है। और हम सिद्ध तेल यूज कर रहे हैं अभी, वैसे पवन तेल यूज करते हैं, पवन सरसों तेल। यहाँ पर हम राई जीरा डाल, हमने राई जीरा गेर दिया है। हम देसी तरीके से ही पास्ता बना रहे हैं, चाइनीज तरीके से नहीं बना रहे हैं। चाइनीज चाइनीज वैसे ही चाइनीज फूड है, लेकिन हम इसे राजस्थानी फूड स्टाइल में बना रहे हैं। मम्मैया, I am joking. Pasta. दोस्तों, यहाँ पर हमारी हींग की डब्बी टाइट है, टाइट। खोल खोल फटाफट। इसमें हम गेर देंगे। खुल चुकी है मुझसे। अब इसके हम ये मैंने हटा दिया है। मम्मी ये हींग है ना, गलत ली है ही तू, हम मत लाना उससे। कितने की दिया था? हेलो गाइस, अब की बार इसने हींग बहुत खराब लेके आई। मैं नहीं लाता तो मतलब ही टमाटर काट दे। इन प्याजों को हम फ्राई होने देते हैं गाइस। और आज शनिवार है, आप लोग हमें दर्शन करवा दिए हैं। और जयपुर राजस्थान की साइड से पूर्ण भारद्वाज आप सब लोगों का स्वागत करती है। अपने ब्लॉग में आप हमारा ब्लॉग पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, कभी तो पसंद करोगे। और आज हम सालों बाद पास्ते बना रहे हैं, क्योंकि हमारी हजम नहीं होता है। दोस्तों, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं पास्ते, मैं खाता ही हूँ। मेरी नानी के बनते हैं ना, तो मैं खाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। और मम्मी के हाथ के तो और भी टेस्टी होते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर कट कर लिए हैं, हम इसे धो लेते हैं। और ये हमने इलायची मंगवाई थी, इसको हमने रखना भूल गए थे, तो हम रख देते हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, मेरी आँख में ऐसा दिख रहा है। ला सकती है तू मैगी मसाला बाहर से? हेलो गाइस, मैंने इसको मैगी मसाला लेने भेजा है, क्योंकि मुझे लगता है मैगी मसाले से कुछ अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और मिर्ची कम गिरनी पड़ेगी, तो मैगी मसाला मंगा लेते हैं। और ये हमारी सॉस है। हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से बने। और अब हम इसमें कुछ नहीं गिरेंगे मैगी मसाले के अलावा।
गाइस ये बोतल देखो कैसे हो गई है, चूल्हे के आगे रखी हुई थी तो पिचक गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी गिर देंगे थोड़ा सा ही गिरेंगे जिससे ग्रेवी थोड़ी लिपटवासी हो जाए। आज शनिवार है तो भगवान का भी कुछ होना चाहिए गाइस, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भजन की सुनाती हूँ। और आप लोग प्रेयर कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मैं लगातार बीमारी चल रही हूँ, पता नहीं किस कौन मेरा बुरा सोचने वाला है, मुझे नहीं पता है। पर ऐसा भी कोई होता है क्या गाइस कि लगातार इंसान बीमार चले? तो मैं चल रही हूँ और पानी भी लेते हैं ठंडा ठंडा। और ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, कमेंट आया था कि आप पास्ता बना के दिखाइए देसी तरीके से, तो मैं हम ब्लॉग में पास्ता बना के दिखा रहे हैं गाइस। और मैं ये पास्ता जो उबाल के रख रखी हूँ वो मैं इसमें घेर देती हूँ। मैगी मसाला हम ऊपर से भी घेर सकते हैं, इसमें हम दो सॉस घेरेंगे। हम इसको देसी फूड की तरह बना रहे हैं। हमने इसमें 200 गिर दिए हैं और ये
आधा किलो पास्ता थे गाइस। और दो सॉस ही गिरे हैं हमने, जब आप खाओ तो ऊपर से सॉस गिर सकते हैं। किरण मैगी मसाला लेके आ चुकी है। दोस्तों में आ चुका है, मम्मी अभी वापस से होगा तो खुल जाएगा साइकिल का। दोस्तों ने धनिया भी कट कर लिया है, धनिया स्वाद के लिए। कल दोस्तों हम नरसिंह जी देखने गए थे तो हमें आइसक्रीम मिली थी, आप भी खा लीजिए आइसक्रीम, खा लीजिए। तो हम इसको रख देती हूँ। गाइस हम इसमें थोड़ा सा पानी और गिरेंगे क्योंकि सूखा सूखा हो रहा है। दूसरा मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़े पसीने पसीने सुखा जाता हूँ। ये नमक चक्के एक बार इसका बता बोर बस पापा के लिए निकाल लू तो रुक तो जा, पानी दो मैं पानी बिना गाय हमें बिना मिर्ची के निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसके पापा नहीं खाते हैं। और सॉस कैसा है? सॉस ही नहीं, स्वाद ही नहीं आ रहा। ये कितने पैकेट गिरे थे? दो। सारे पास्ते के दो पैकेट हो। दोस्तों मैं इसमें धनिया गिरा देती हूँ और ये बहुत ही डिलीशियस राजस्थानी तरीके से बहुत ही टेस्टी बना है। राजस्थानी तरीके से हमने पास्ता बनाया है, चाइनीज तरीके से नहीं बनाया है। और बिना मिर्ची के हम निकाल देंगे। दोस्तों मैं ऐसी पन्नियों से कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे चम्मच बना के दिखाता हूँ। और अब हम हल्की सी मिर्ची गिर देंगे उसमें, गिर देंगे, हम भी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाएंगे गाइस। चम्मच बन चुकी है, निकालो खाओ।
निकालनी है। कैसे काम किया जा रहा गैस बंद कर देंगे। दोस्तों हम जो चम्मच में लग रहा है उसे हटा देते हैं। ग्रेवी लग रही थी। अब यूट्यूब फैमिली को हम खिला देते हैं। सॉस गिरने के लिए हमने ले लिया है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, हमारा पास्ता देसी स्टाइल में तैयार हो चुका है, तो आप लोग खा लीजिए और किरण आपको टेस्ट करके दिखाएगी। और आज की रेसिपी यही है, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है। दोस्तों मेरी आँख, दोनों आँखों में कुछ हो गया, तेल गया अंदर। दोस्तों मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। और मम्मी तो दोस्तों मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ, और मम्मी भी आ जाओ, आप खाओ। पहली बाइट YouTube फैमिली के लिए। खा लीजिए YouTube फैमिली हमारा टेस्टी टेस्टी पास्ता, और ये राजस्थानी तरीके से बनाया है हमने, और खा लीजिए। हमने इसमें कोई भी विनेगर नहीं डाला है, चिली सॉस भी नहीं डाला है, ओनली टमाटो सॉस डाला है और घर के मसाले डाले हैं, उससे ही ये बहुत अच्छा बना है। और एक मैगी मसाला डाला है, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। और आप भी इस तरीके से बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप जितना देसी तरीके से खाना बनाओगे उतना ही अच्छा लगेगा, और उसमें ज़्यादा फ्रूट्स डालोगे तो वो मुझे नहीं पता अच्छा लगेगा। हमें तो अच्छा लगता नहीं है, हमें तो देसी तरीका ही पसंद है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ब्लॉग आने से पहले मिल जाए। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।